तो क्या इलेक्शन मैंने जीता, ये बड़ा बड़ा इलेक्शन किसी वजह से आरएसएस के खेल से बना, लेकिन फिर मैं लोकसभा में आया सोनिया गांधी जी के रहने के, क्यों मुझे हुकूमत में इसलिए रहना है कि हमारे लोगों की सेवा की। मैं ये नहीं चाहता कि कोई बहुत बेटूरिया बयासी साल हो गए मेरे को बयासी साल हो रहा, मैं कभी रिटायर होने का नहीं सोचा, इसीलिए मैं सोचा मक्के दम तक ऐसे मोदी जैसे आरे सत्र से आइडियोलॉजी को मर जाओ। एक चुनाव है देश को बचाने का, एक चुनाव है देश के डेमोक्रेसी को बचाने का, एक चुनाव है देश के संविधान को बचाने का, जमहूरियत के साथ संविधान को भी बचाना है, ये चुनाव है। और अगर इसमें हम कुछ गलती किए फर्क करो, गलती से कुछ घिसक गया तो तुम्हारे हाथ से पूरा चल जाएगा, कोई आके आपको भड़का देगा, मुसलमानों के नाम पे भड़काएगा, कोई आके हिंदुओं के नाम पे भड़काएगा, कोई आके आपको किसी और जाति धर्म के नाम से भड़काएगा, लेकिन उससे अगर उस जाति में आप पड़ गए तो समझो हमारे आगे के नस्ल को आप खत्म कर रहे हैं, उनके हकूक को छीन रहे हैं, और उसके उसका सारा पाप आपके ऊपर आएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं भाइयों, आपको एक तरफ तो ये देखना है और दूसरे तरफ आपको ये भी देखना है कि मोदी जी ने कितने वादे किए, उसमें कितने उन्होंने निभाया, और उन्होंने क्या क्या नहीं किया। इलेक्शन में कुछ कहा, मोदी के इलेक्शन में कुछ कहा, और जब कभी हुकूमत में आना उससे पहले उन्होंने यही कहते रहा कि देश के लोगों को, भाइयों मेरे भाइयों, अब आने वाले चुनाव के अंदर अगर मैं जीत जाऊंगा हर एक युवाओं को दो दो करोड़ रुपया दूंगा हर साल, तो हर साल में कितने करोड़ नौकरी होना चाहिए, कितने होना चाहिए था 20 करोड़, क्या मोदी ने 20 करोड़ नौकरियां दी, बोलिया दी, तो मोदी जी झूठ है क्या हम झूठ रहे, मोदी जी झूठ होगा अगर मैं ये बोलू भाई मोदी जी झूठों का सरदार है तो ये क्या गलत है, क्या ये गलत है सच है। और मोदी जी ने ये भी कहा कांग्रेस वाले खूब पैसा कमा, विदेश में काला धन है, मैं काला धन लाकर आप सबके जेब में 15-15 लाख डालूंगा, ये कहा आपने कहा, फिर 15 लाख मिले आपको नहीं, तो मोदी झूठ है कि हम झूठ है। तीसरा उन्होंने कहा भाइयों, मैं किन किसान की आमदनी दुप्पट कर दूंगा,
दबंग कर दूंगा। किसान के हम धन सुपर हो गया वो नहीं हुआ तो मोदी झूठ है तो हम झूठ है। तो अब तो समझ में आ रहा था और झूठ है कौन सच। अगर इसको निकालना है तो अब कांग्रेस को मजबूत करना होगा और कांग्रेस के कैंडिडेट को चिंतित मानो, क्योंकि कोई अकेला लड़कर इस देश में सरकार नहीं बना था। सरकार वही लोग बना सकते इंडिया लाइफ वाले। आप यदि कांग्रेस सीपीएम सीपीआई के सब लोग मिल के आज हम एक होकर मोदी के खिलाफ लड़ रहे, इस लड़ाई में एक होकर अगर आगे चलेंगे कोई मुमकिन है कि मोदी को हटाएंगे। अगर आप इधर इधर भटकेंगे, कोई उधर से आया कोई इधर से आया तो हम कहीं गिर गए। तो इसलिए आपको जरूर सोचना होगा। आप इमोशन में मत आओ, किसी की बात मत सुनो कि लोग एक काम हो। अरे ये तो सोचूंगा मैं तो सर्वकाश से आता हूं, मुझे भी मालूम है जो सोचा क्या गर्व है दुख है। और मैं तो ऐसे ही जानता मैं हैदराबाद स्टेट का हैदराबाद कर्नाटक से आता हूं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, सरकार पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन है, सभी लोग भीतर रहते हैं। और मैं मोदी से 50 साल चुन के आया हूं, 50 साल ये जमीन में दो दिन में एक इलेक्शन में दो इलेक्शन में मैं 11 इलेक्शन आगे तो 11 इलेक्शन मैंने जीता। ये 12वां इलेक्शन इसी वजह से आरएसएस के खेल से बना, लेकिन फिर मैं राज्यसभा में आया सोनिया गांधी जी के रहने से। क्यों? क्योंकि हुकूमत में इसलिए रहना है कि हमारे लोगों की सेवा करें। मैं ये नहीं चाहता कि कोई बहुत हृदय टूट गया 82 साल हो गए मेरे को 82 साल हो रहा। मैं कभी रिटायर होने का नहीं सोचा, इसीलिए मैं सोचा मक्के दम तक ऐसे मोदी जैसे आरे सकते थे आइडियोलॉजी को मर जाओ। अगर आप मर गए तो मर गए, नहीं अच्छाई के लिए कुर्बानी देनी पड़ी, अच्छाई के लिए अब एक होना ठीक है। किसको मिला किसको नहीं मिला, हर एक देश के बचाने के लिए अगर पार्टी के लिए डिसीजन लेती है उसके हम सभी लोग मत करना चाहिए। और वही मैं अपने दोस्त को कह रहा हूं, ऐसे तो बहुत दोस्त है लेकिन हमको एक होकर मिलना है। और हमेशा ये मोदी जी कहते हैं कि भाई मेरी गारंटी, अरे भाई आपकी गारंटी तो दो इलेक्शन में देखे, वो दो इलेक्शन में एक भी गारंटी उन्होंने बोली और आज भी यही बोलते हैं मोदी की गारंटी। 56 दिन का साथी है भाई, कोई तेरा को बुला के तेरे साथी एक लेके मामला बोल रहे हैं। 56 दिन है, इसे 56 दिन करो सकते, 56 दिन करो सकते माफ, लेकिन देश के लिए गरीबों के लिए
Project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall